आया है अभी ये देखिए, और साथ ही राम भगवान का मंदिर जो बना है। कहावत है ना, सला बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है संडे, और गाइज आज पूरा दिल खोल के हम लोग सोए हैं, क्योंकि डेली डेली गाइज सुबह सुबह उठना पड़ता 6 बजे के आसपास, क्योंकि ऑफ क्यों 15 दिन से पिछले संडे में हम लोग ऑफिस जाना पड़ा था। तो गाइज जिंदगी मतलब बिल्कुल झंड हो गई थी। तो गाइज इस संडे हमारा मतलब ऑफिस छुट्टी, ऐसा छुट्टी तो हमेशा ही रहती, बट अब जाके मतलब अब थोड़ा काम का प्रेशर कम हुआ है तो अब छुट्टी रहेगी गाइज। तो अब जाके आज हम लोग सो के उठे 10:30 बजे। तो गाइज वो भी नींद खुली है कि राम भगवान के मंदिर का कुछ इन्विटेशन टाइप से हमारे पास अभी आया है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब घर में पूजा 22 तारीख को बिल्कुल दिवाली मनाए, ऐसा उन लोगों का कहना था कि मतलब 22 तारीख जब वहाँ पे राम भगवान का, हाँ, और 22 तारीख को अपने घर में जैसे दिवाली में हम लोग दिए जलाते हैं ना, तो राम भगवान के आने की खुशी में मतलब 22 तारीख को ही राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा मंदिर के अंदर। तो इसमें देखिए दिया के नीचे चावल रखने के लिए, ये अभी प्राण प्रतिष्ठा का चावल, शायद ये अयोध्या से ही है क्योंकि वहीं से अयोध्या से ही आया है, तो हमारे घर में भी आया है अभी ये देखिए। और साथ ही राम भगवान का मंदिर जो बना है वो फोटो भी आया है देखिए गाइस। तो आज संडे मतलब सुबह सुबह भगवान राम जी का घर में ये जाएगा। हाँ तो सही है ना, हो सकता है पूरे उन लोग कहना था कि पूरे भारत में वो लोग ये बंटवार है कि मतलब 22 तारीख को दिवाली की तरह बिल्कुल मनाया जा सके पूरे भारत में, मतलब दिया जले राम भगवान को। हाँ और क्या, राम भगवान जिस दिन आए थे उस दिन तो दिवाली मनाई गया। हाँ तो हमारे राम भगवान 22 तारीख को आ रहा है, दिवाली हम तो बिल्कुल दिया हुआ सब जला देंगे हर तरफ, बिल्कुल मस्त लाइट वाइट सब लगा देंगे बढ़िया क्या। तो गाइस सुबह सुबह आज बिल्कुल भगवान राम के दर्शन एक तरीके से हो गए, उनके मंदिर का दर्शन सुबह सुबह, तो आज का संडे बहुत मस्त गुजरने वाला है गाइस। तो चलिए फिलहाल अभी संडे है तो कुछ कुछ काम जो कि हमारा कुछ हफ्तों से पेंडिंग है, क्योंकि पिछले संडे हम लोग ऑफिस गए थे तो वो काम पेंडिंग रह गया था, वो काम कर नहीं पाया। सबसे पहला काम है गाइस कि मैं आज जाऊँगा और अपने बाल और बियर्ड वगैरह सेव करवाऊँगा अच्छे से, क्योंकि बढ़ भी गई है थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद फिर यामिन भाई से मिलूंगा। यामिन भाई से मिले तो बहुत टाइम होगा गाइस, 3-4 महीने तकरीबन हो गए। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं और हेयर ऑयल कटिंग वगैरह कराते हैं। तो गाइज यामिन भाई के पास जाने से पहले आदि बना के ले आए हैं चाय, सुबह सुबह आया है, दिन बना दिया आदि, आप तो दिन सही है आज मस्त मस्त बिल्कुल। उसका चाय का ले लिया है। अच्छा ये आदि का है, बाप रे सबसे ज्यादा इसी में था क्या आदि हम ही नहीं लिया, मेरे पास जो था इसे उठा लिए थे हम, ठीक है चलिए कोई नहीं, मेरा चाय ना ना पी लेते चलो तुम मिलो। बाप रे बाप, भुक्खड़ इतना चाय का प्रेमी नहीं बना। चलिए गाइज चाय पिए फिर चलेंगे, और गाइस बहुत दिन के बाद अपना बाइक निकालेंगे आज, बेचारी धन्नो बहुत गंदी होगी, उसको सफाई करेंगे और आज उसको लेके जाएंगे, थोड़ा सा चला लेंगे मजा आएगा। गाड़ी भी गाइस घर में रहे तो उसको चलाना चाहिए वरना खराब वराब होने का खतरा रहता है। और तो चलिए पहले चाय पीते हैं, झाड़ बना है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, देखिए बाइक बहुत गंदी हो गई गाइस, बाइक 15-20 दिन के बाद आज बेचारी को थोड़ी सफाई कर देते हैं गाइस, चल सफाई करते देखते एक बार में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो गाइज फाइनली आ चुके हैं यामिन भाई के यहाँ, और देखिए इन्होंने अपना कपड़े वपड़े ढक दिए बिल्कुल मस्त। ये क्या लगा यामिन भाई, वाइट वाइट गले में क्या है? ये नेक्रोल बोलते हैं इसको हम लोग, नेक्रोल पेपर जो होता है पेपर होता है, नेक्रोल बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा अब इसके कटिंग फिट के ऊपर लगाना होता है, ये अंदर ना बाल नहीं जाने देता है। अच्छा ना सही है, कपड़े में बाल नहीं जाएगा ना वैसे। और मैं इनका थोड़ा लुक चेंज करने वाला हूँ, अच्छे से मैनेज करता हूँ, बाल ज़्यादा दाढ़ी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो गाइस फाइनली तगड़ी हेयर कटिंग कर दी है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। लास्ट मैंने क्या किया था, जंगली फेस को देख लेते हैं थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा फेस है ना, देख कितना अच्छा गजब, पहले अजीब सा बाल बाल बढ़ गया था बहुत। सर आप पहले से भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हो, अभी बात नहीं है, ठीक है मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए भगवान राम की झांकी निकल रही है यहाँ पे, मैं आज कहूँ अभी घर के अंदर, और पल
बाल को कटवा ही लिया तो चली गई। जब चलते हैं स्नान वगैरह करके आदि, क्योंकि घर में सब लोग स्नान कर चुके हैं, स्नान करके आग वक्त आप आदि लेके स्नान करके आ गए बिल्कुल, और एक दो जूता भी साफ करना है मुझे गाइस। तो चलिए फटाफट चलते हैं और स्नान करके जूता वगैरह साफ करके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मस्त स्नान वगैरह करके आ गया हूं मैं, और गाइस बाल कटाने के बाद ऐसा लग रहा मस्त, माथा बिल्कुल हल्का लग रहा है। तो गाइस अभी जब मैं बाल कटाने गया था तो घर में भैया लोग ब्रेकफास्ट बनाए थे बैम्बिनो, तो भैया भाभी आदि लोग तो खा चुके हैं, लेकिन अभी गाइस भाभी ने मुझे गर्म करके दिया है ये देखिए बैम्बिनो। तो भूख तो बहुत तेज लगी गाइस, तो ब्रेक लंच के टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं, चलिए गाइस फटाफट सब बैम्बिनो खाते हैं देन मिलते हैं आपसे। आज बहुत दिन के बाद मैं और आदि शाम को जा रहे हैं नीचे टहलने के लिए, तो अभी गाइस मैं तो नीचे आ गया हूँ लेकिन आदि अभी ऊपर ही है, तो जस्ट आने ही वाले, तो चलिए गाइस चलते हैं। टहलते टहलते अभी मैं और आदि आ गए हैं स्मार्ट बाज़ार के बाहर, अंदर चलते हैं कुछ बिस्किट वगैरह एक आदि ले लेते हैं कि आए हैं तो, तो चलिए उसका फिर बाहर कुछ खाएंगे फिर घर चलेंगे हम लोग। इस स्मार्ट बाज़ार से हमने ढेर सारा बिस्किट ले लिया है, तो आपको घर पे चल के दिखाएंगे गाइस बिस्किट सारे। देखिए आदित्य मोबाइल क्रिसमस का सजावट अभी तक है बिल्कुल मस्त, लाइट वाइट डला रखा है, और आदि बिल्कुल अपने दोस्त के साथ फ़ोन में बिजी है। अच्छा मम्मी से, चलिए चलते हैं। गाइस मॉल के पास तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोग इधर आए हैं सोसाइटीज़ की तरफ, गाइस इधर बहुत भयानक वाली ठंड लगनी स्टार्ट हो गई है, और आज गलती से मैं चप्पल पहन के आ गया तो मुझे और भी ज़्यादा ठंड लग रहा है गाइस। तो चलिए फिर और चलते हैं अब घर। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर, और गाइस रास्ते में हमने ना 4 गुलाब जामुन ले लिया था, तो अभी आदि सबको एक एक करके सबको गुलाब जामुन खिला रहे हैं, और गाइस चलिए आपको दिखाते हैं जो जो बिस्किट हम लेके आए अभी स्मार्ट बाजार से। देखिए गाइस इतना बिस्किट लेके आए अभी बाजार से हम लोग, ज्यादा बिस्किट तो नहीं है बट ये मोनेको का बड़ा सा पैकेट ले लिया हमने, क्योंकि कुछ दिन चलेगा मस्त। तो चलिए फटाफट से पहले अपने हिस्से का गुलाब जामुन खाते हैं आपसे। अभी वहाँ से घर जाने का हम लोग अभी आए थे नीचे कुछ सामान लेने के लिए, तो जो सामान लेना था गाइस वो बिल्कुल पार्क के पास ही था दुकान, और बहुत दिन से गाइस पार्क में आया नहीं था मैं, तो अभी आ गए हम मैं और आदि आ गए पार्क घूमने के लिए। और मस्त गाइस ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, सब लोग कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई बैट बॉल वगैरह खेल रहा है, तो मस्त लग रहा है गाइस। आपको दिखाते हैं अभी वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और इधर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं इस साइड में, यहाँ पे देखिए बड़े कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। रात भी काफ़ी हो गया, रात भी काफ़ी हो चुका गाइस देखिए, लेकिन यहाँ पे लाइट जो जल रहा है चक्कर मस्त लग रहा है देखने का आदि, और देखिए वहाँ पे चलिए गाइस ठंडा भी बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, शाम को ठंड नहीं था बट अब ठंड बढ़ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पार्क से भी निकलते हैं, बहुत अच्छा लगा इस पार्क में बहुत दिन के बाद आके। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी भैया और भाभी दोनों लग गए हैं किचन में काम करने के लिए, तो भाभी गाइस बना रही हैं आज मेथी और मतलब मेथी को आटे में डाल के मेथी का पराठा, और भैया बना रहे हैं सेवई, जो कि भैया मतलब हेल्प कर रहे हैं भाभी की आज किचन में। तो भैया कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं बना ही रहा हूं, मैं पूरा अच्छा पूरा बना रहे हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, पूरा बना रहे हैं। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको भी, ये देखिए गाइस भैया यहाँ पे भी सारा ड्राई फ्रूट्स का कटिंग कर रहे हैं। आजकल भलाई का जमाना नहीं होता, आजकल पूरा बनाना पड़ता है, आजकल लोग पकड़ा देते हैं बस। हाँ जो कहावत है ना सला बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस। तो आपको मतलब इस बात का डर लग रहा है आपको कि जिंदगी तहस नहस हो गया ले में जिंदगी तहस नहस जीजू। हाँ बेलना बगले में सच्चाई में बोल रहा हूँ मैं से। ये क्या ये कौन डिश खाना बन रहा है भाई, ये कौन सा डिश है आदि? ये देखिए गाइस यहाँ पे बन रहा मेथी का पराठा अभी, तो आदि क्या वो खा लीजिएगा आप? ये खा लेंगे वो चीज, ज्यादा नहीं खाएंगे, 7-8 लोग खा लेंगे। सेवई भी निकाल के रखा हुआ है, इतना सारा प्याज आदि सेवई में प्याज डलाया क्या? हम बोले कि चिकन या और कुछ सोच के नहीं काटे थे, हम सोचे थे क्या कि सुबह राजा को उठना नहीं पड़ेगा। वाह वाह मेरे दोस्त वाह, देखिए भैया अब लग गए अपना प्रोसीजर बनाने। इतना घी डलता है? अरे नहीं तो हम इसको उठा लिए थे ऐसे ताकि इसको वापस डाल देंगे।
बीवी से बहस जिंदगी तहस नहस। हाँ जल जाएगा, घी जल रहा, आग जल जाएगा उसमें। गाइस आज थोड़ा सा जल्दी हम लोग रात का डिनर कर रहे हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन हमारा डिनर बन चुका है क्योंकि आज बनाया हमारा मेथी का पराठा, तो वो तुरंत से बन जाता है। तो गाइस चलिए दिखाते हैं आज खाने में। गाइस मस्त चीज़ आया है बिल्कुल, मेथी का पराठा एंड सेवई, ये देखिए बन के बिल्कुल प्लेट भी आ गया है मेरा। तो चलिए गाइस अब फटाफट से रात का डिनर करते हैं क्योंकि डिनर का टाइम भी हो चुका। तो चलिए गाइस भैया भी अपना लेके आ गए हैं डिनर, और आदि का ये रखा हुआ है, मेरा ये रहा, और भाभी अभी किचन में अपना लेके आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ठंड बहुत भयानक वाला, अभी गैस थोड़ा सा ठंड बढ़ गया, उधर से खुले जाली है ना तो हवा चलता है, तो बहुत तेज हवा आता है इधर से, तो इसीलिए हम लोग गेट को बंद करके रखते हैं कि हवा ना आए। तो चलिए अब खाते हैं। गाइस अब रात काफ़ी हो गई है, रात के बज चुके हैं 11:30, और गाइस कल है मंडे, तो कल थोड़ा जल्दी उठूंगा क्योंकि गाइस कल से सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा गाइस मोटापा बढ़ रहा है क्योंकि पेट बाहर आ गया, क्योंकि ठंड में इंसान खा तो लेता है लेकिन ज़्यादा रनिंग वनिंग हो नहीं पाता, इस चक्कर शरीर थोड़ा सा फैल रहा है गाइस। तो कल से थोड़ा जल्दी उठ के एक्सरसाइज करूँगा, तो इसीलिए गाइस थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। और गाइस आज का संडे तो एवरेज बीता है क्योंकि हमने आधा दिन तो सो के गुजार दिया, 10:30 तो हम लोग सो के उठे हैं, उसके बाद फिर बाल वाल कटवाने चला गया। हाँ लेकिन एक बात है, आज मैंने काम बहुत सारे निपटाए अपने, जैसे हेयर कटिंग करा लिया, जूता धो लिया मैंने, क्योंकि मेरे सारे जूते गंदे थे गाइस, क्योंकि गांव से आने के बाद ऑफिस से घर, घर ऑफिस चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पा रहा धोने का, और भाभी से क्या ठंडा इतना ज़्यादा है कि भाभी को क्या बोल धोने के लिए। और गाइस खुद काम, कुछ काम खुद से करने चाहिए क्योंकि खाना वाना कपड़े तो भाभी कर ही देती है, अब जूते थोड़ी धुलवाऊंगा भाभी से, तो इसलिए गाइस जूता खुद से ही धो लेता हूँ मैं। तो फिलहाल चले गए, देखिए आदि तो सोने जा चुके हैं, सो के फ़ोन चला रहे हैं, और मैं भी जा रहा हूँ सोने अब। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय, गुड नाइट।